आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान रहना जरूरी, मन की बात में बोले पीएम मोदी। बिहार के मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री में हादसा, 4 की मौत, कई लोग घायल। सीएम योगी शहीद विंग कमांडर हर्षित सिन्हा को दी श्रद्धांजलि, सलमेर में शहीद हुए थे हर्षित सिन्हा। सलमान खान को सांप ने काटा, पनवेल फार्म हाउस की घटना, जाना पड़ा अस्पताल। लखनऊ में घनी आबादी में तेंदुए का तांडव, लोगों पर हमला, सिपाही समेत 3 घायल। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। प्रदेश में रात के कर्फ्यू का दौर फिर लौट आया है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे की आशंका को देखते हुए योगी सरकार ने पूरे सप्ताह रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। साथ ही शादी विवाह और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी, जिसको लेकर कई जिलों के प्रशासन ने कमर कस ली है और रात में गश्त करते हुए नाइट कर्फ्यू का जायजा भी लिया जा रहा है। गाजीपुर, औरैया, अलीगढ़, कन्नौज, सभी जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां प्रशासन रात में गश्त लगाकर देख रहे हैं कि नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, बेवजह लोग सड़कों पर घूमते तो नहीं नजर आ रहे हैं। तो सख्ती दिखाई जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और ये कम से कम 1 सप्ताह के लिए है, यानी क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक, क्योंकि इसी वक्त लोग ज्यादातर घर से बाहर रहते हैं, रात में पार्टी करते हैं, भीड़ जमा इकट्ठा होती है। इस वजह से भीड़ को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है और अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो और सख्ती की जा सकती है। अलीगढ़ जिले में एक डिबेट के दौरान भाजपा की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्षी पार्टियों को गुंडों की पार्टी बताया है। साथ ही पूर्व में शकुंतला भारती ने विवादित बयान देते हुए तीनों पार्टियों का हाल आजम खान से भी ज्यादा बुरा करने का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा कि तीनों पार्टियों के लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। हंगामे क्या गुंडों का वो है, क्या मामला? ये तीन लोग, तीन तीन पार्टी के योजनाबद्ध तरीके से, लेकिन एक बात चेतावनी देती हूँ, इन गुंडों का आजम खान से बुरा भी हाल होगा, ये जेल की सलाखों के अंदर होंगे, ये सब गुंडे हैं। प्रोग्राम, अरे अपनी अपने मन की बात कहनी थी, लेकिन इन गुंडों ने गुंडागर्दी कर रही है, इनका कौन हाल होगा, ये जेल की सलाखों में। वो ये गुंडे किसके साथ बदतमीजी करी गई? सपा, सपा। बदतमीजी किसके साथ करी गई? पब्लिक के, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे थे। क्या मारपीट भी हुई है यहाँ? हाँ कर रहे थे। ये कुर्सियाँ तोड़ दी है, धक्का मुक्की की है, तोड़ी है धक्का मुक्की, कुर्सी तोड़ी है। चंदौली में यूपी केंद्रीय प्रभारी उद्योग मंत्री का पलटवार करते हुए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि ओवैसी इस प्रदेश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। योगी की अगुवाई में यूपी का पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा और देश और यूपी की सरकार कोरोना को लेकर पूरी तरह से सजग चुनाव कराना चाहिए। बलिया के बांसडीह इंटर कॉलेज के मैदान में सपा और सुभाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां आयोजन के दौरान मस्जिद से आजान होने लगी और उसी दौरान पूरे कार्यक्रम को नेता प्रतिपक्ष रोक दिया गया। अजान के समाप्त होते ही कार्यक्रम को फिर से शुरू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री और सुभाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने सीएम योगी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं।
तो बलिया से ये खबर सामने आ रही है जहां पे सपा और सुभाषपा के कार्यकर्ता ने सम्मेलन का आयोजन किया और आयोजन के दौरान जब मस्जिद से अजान होने लगी तो उस दौरान पूरे कार्यक्रम को नेता प्रतिपक्ष ने रोक दिया और अजान के समाप्त होने के बाद कार्यक्रम को फिर से शुरू किया गया। साथ ही पूर्व राज्य मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने सीएम योगी पर जमकर हमला बोला और उन्हें अनुपयोगी बताया। योगी जी प्रदेश के लिए अनुपयोगी है, ये राशन आज से नहीं बट रहा है, ये राशन लंबे समय से मिल रहा है, आज तो 5 किलो मिल रहा है, पहले 35 किलो चावल 35 किलो गेहूं और बकायदे 2 पैकेट नमक और 10 किलो चीनी मिलता था, 10 लीटर मिट्टी का तेल मिलता था। आज ये 5 किलो का पैकेट दे करके ये अपने पीठ थपथपा रहे हैं। आए गांव में देखें, ये 5 किलो राशन दे देने से उत्तर प्रदेश की भूखमरी खत्म नहीं हो जाएगी। हम लोगों ने तय किया है ये 5 किलो से काम नहीं चलने वाला है, ये हमारी योगी जो अनुपयोगी है, ये हमारे प्रदेश की गरीब जनता। खबर मऊ से है जहां राष्ट्रीय इंटर कॉलेज चरैया कोट मैदान के पास बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा मंडल स्तरीय सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से योगी बने हैं तब तक से 100 से अधिक ब्राह्मणों का फर्जी एनकाउंटर हुआ है और इस सरकार में अराजकता चरम पर है। लूट, हत्या, बलात्कार जैसी तमाम घटनाओं ने सरकार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के बारे में आप मीडिया के साथ ही बेहतर जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी बातें तो करती है लेकिन धरातल पे काम करने में यकीन नहीं करती है, नारों से देश नहीं चलता है। और समाजवादी पार्टी लोगों को बांट करके आपस में लड़ा करके हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करती है। बहन जी की सरकार सबको, सभी धर्मों को सम्मान करते हुए विकास, कानून व्यवस्था और सभी धर्मों की आज़ादी पे काम करती हैं और बहुजन समाज पार्टी के हर कार्यकर्ता बहन जी के आदेशों का पालन करते हुए, बहन जी के निर्देशों को मानते हुए और 5वीं बार बहन जी की सरकार बनवाने के लिए काम करेंगे। हमारी पार्टी के मुखिया ने भी अभी प्रेस में भी कहा कि इस तरह से जो ये कानून पारित किया गया है, ये बहुत ही गलत तरीके से पारित किया, इसका हम लोगों ने विरोध भी किया, ना इसको अचानक से ला करके पार्लियामेंट में हमारे लोगों ने भी विरोध किया और लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत में कि इससे शायद वो डर गए इतना उत्तर प्रदेश के चुनाव में और पंजाब के चुनाव में, उत्तराखंड में, कि उनको लग रहा है कि अब चुनाव हारने वाले हैं और इसीलिए चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे अन्य हों, जो लोग जिनको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, समझते हैं कि हम पहुंचा लेंगे, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि जितनी इस तरह की कोशिश करेंगे उतना ही ये सब लोग मिल करके और ताकत झोंक करके ये जितना इस तरह से नुकसान पहुंचाने के उससे ज्यादा ताकत से। फरुखाबाद में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर राजनीति गर्मा गई। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के भूसा भरने और नस्तनबूत करने का बयान दिया था। सपा जिला कार्यालय में हुए कार्यक्रम में सपा नेता रजत क्रांतिकारी ने भड़काऊ भाषण दिया है। खबर देवरिया से है जहां समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव ममता यादव का सपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि ममता यादव को एक हफ्ते पहले ही समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह देवरिया आई थी, तब उन्होंने ममता यादव को महिला सभा का राष्ट्रीय सचिव बनाया था। इस दौरान ममता यादव ने कहा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है वो उनको निभाएंगी। देवरिया में विधानसभा पथरदेवा में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पुण्यतिथि पर प्रशिक्षण से पराक्रम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेसी नेता रामजी गिरी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया जिसमें नेता पवन शर्मा और उनके सहयोगियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
खबर गाजीपुर से है, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान मनोज सिन्हा गाजीपुर के स्वामी सहजानंद कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और रमेश राय की पुस्तक महिषासुर मर्दिनी दुर्गा एक कलात्मक अवलोकन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 7 सालों में देश के सभी क्षेत्रों का बदलाव और विकास हुआ है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गाजीपुर के दौरे पर आए और जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई कार्यक्रमों में शिरकत भी की। इस दौरान मनोज सिन्हा गाजीपुर के स्वामी सहजानंद कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए और रमेश राय की पुस्तक महिषासुर मर्दिनी दुर्गा एक कलात्मक अवलोकन का लोकार्पण किया। खबर मैनपुरी के गांव बढ़ौली नगला बक्सी की है, जहां पे सूचना पर पहुंची थाना पुलिस। नगला बक्सी पहुंची तो वहां खाना बना रहा था और सैकड़ों की संख्या में उनके भक्तगण मौजूद थे। पुलिस ने मेवा राम का आधार कार्ड देखा तो बाबा की जन्मतिथि 1 जनवरी 1950 मिली। जब बाबा से पूछताछ की गई तो उनका जन्मदिन तो 6 दिन बाद है, तो उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी, जिस दिन चाहूं उस दिन मनाऊं। पुलिस और पत्रकारों की मौजूदगी होने पर वहां कोई खास कार्यक्रम नहीं हो पाया, जबकि वो मौजूद महिलाओं और पूर्व प्रधान ने पत्रकारों के साथ अभद्रता करने का प्रयास किया। जबकि गांव के लोगों ने नाम नहीं पूछने की शर्त पर बताया कि यहाँ लालच और भ्रमित करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये अपना कार्यक्रम मतलब ईसाई धर्म का अपनाए हुए और ईसाई धर्म में ये लोग आते जाते हैं। तो यहाँ तो ईसाई कोई भी नहीं, सारे हिंदू ही थे, कोई शाक्य है, कोई ब्राह्मण है, हाँ सभी जाते हैं, कुछ जाटव है, कुछ अन्य कास्ट के लोग हैं, मैथिल भी है। तो ये लोग क्या कराते हैं, धर्म परिवर्तन का चांस हो रहा है, क्या हो रहा है धर्म परिवर्तन का? ये मतलब ये इनकी प्रार्थना होती है, ये मतलब करते भाई प्रार्थना, और सब लोगों को सामान लाते हैं, सब इनको ही देते। और अच्छा, आज का प्रोग्राम क्या था? आज का प्रोग्राम तो ये जाना कि आज बड़े दिन तो होता है, वो ईसाइयों का धर्म जो होता है, बड़े दिन को ये होता है ईसाइयों का सबसे बड़ा जो त्यौहार होता है, वो बड़े दिन के लिए होता है 25 दिसंबर। मामला धर्मांतरण का चल रहा है, वो भी आज से नहीं चल रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 100% इसमें इन्वॉल्व कहीं ना कहीं प्रशासन भी है, क्योंकि महीनों से सालों से जो धंधा चल रहा हो, मैंने आज देखा वहां जो घटनाक्रम उनका इतना जबरदस्त था कि मैं जनपद मैनपुरी की ही नहीं, अन्य जनपदों से लोग बुला करके, और ये धर्मांतरण का कार्य चल रहा था। जब मुझे इस घटना की सूचना मिली मेरे भाई आदित्य पांडे जी के द्वारा, आप पहले से मौजूद थे, मैं कुरावली में रैली का प्रोग्राम चल रहा था, मैं कुरावली में था, मैं कुरावली से जब घटना स्थल पर पहुंचा तो स्थिति इतनी गंभीर थी कि हम लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो हम लोग मार दिए जाएं। प्रत्येक घर में लाठी डंडे तमंचे वो पूर्ण तरीके से माहौलमय थे। जब हम लोगों ने कई बार उनसे कहा भी कि ये जो घटनाक्रम आपके यहां चल रहा है, लोगों से पूछा, जिसके एविडेंस मेरे पास उपलब्ध हैं, और एविडेंस के आधार पर ये आज से नहीं चल रहा था, ये महीनों से चल रहा था। आज जन्मदिन मना रहे हैं इसका? अपना जन्मदिन? जी जी जी। आप बाबा जी क्या काम करते हैं यहाँ पे? क्या काम करते हैं? में जन्मदिन कितना है? क्या काम करते हैं आप? हम 1950 है। हम तो यही है, संतों के साथ घूमते रहते, संतों के साथ में सेवा करना हमारा है, संतों का। बाबा जी आपकी जन्मतिथि तो जनवरी है, आप 25 दिसंबर कैसे मना रहे हैं? मैं वो अब ऐसा ही कर दी। अच्छा, तो मेरा नाम राजरानी है। मैंने मतलब बहुत से मूर्ति पूजा की, सारा सब कुछ किया। जो परमेश्वर जिसके जीवन में कार्य करता है उसकी गवाही तो देना जरूरी है, क्योंकि सबका लेखा परमेश्वर लेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब से मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, आपका परमेश्वर कौन है? मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, सब शक्तिमान जीवित परमेश्वर, खुदा का बेटा यीशु मसीह। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब से मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया। अच्छा 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 बहन जी, एक मिनट, जो ये चित्र बना हुआ यही तो ना?
सीतापुर के कोतवाली मोहल्ले क्षेत्र के एक महिला की पिटाई हुई है, जहां पर पुलिसिया कार्रवाई से असंतुष्ट होकर किन्न नैना ने नेतृत्व में महिलाओं ने हाईवे नेशनल मार्ग जाम करना और अपना विरोध जताया है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के कस्बा महोली के मास्टर कॉलोनी की रहने वाली रामवती ने आरोप लगाया है कि कस्बा निवासी सर्वेश बंसल, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य है, उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर रामवती और उसके परिवार को बेल्ट से पीटा। मारपीट की सूचना कोतवाली महोली पुलिस को पीड़ित पक्ष की तरफ से दी गई है। खबर बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में से है, जहां पे नवेली बुंदेली अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी ने की। इस कार्यक्रम में सामाजिक संगठन समेत पूरा प्रशासनिक अमला और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने कई बच्चियों की माताओं को सम्मानित करने का काम किया और सरकार जो कन्याओं के लिए योजनाएं चला रही है उन योजनाओं का भी लाभ मिले, इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही जिला अस्पताल के नए भवन में कन्याओं का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें जिलाधिकारी समेत सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। और महान कवि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्म दिवस है, तो हम आपको और हमारे पूरे जनपद वासियों को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की बधाई देता हूँ। जैसा कि जान रहे हैं कि नवेली बुंदेली, नवेली का मतलब नहीं और बुंदेली का मतलब बुंदेलखंड के लिए, जिसका आज जन्म हो रहा है उसको कन्या जन्म के रूप में हम मना रहे हैं। और कन्या से संबंधित जितनी योजनाएँ हैं हम उसको दिलवाएंगे, मिलती थी या लेट मिलती थी उसको समय से दिलवाएंगे। और उनके माता पिता जो एक नागरिक हैं उनसे भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएँ जुड़ी हुई हैं, तो हमको विलम्ब से न मिले समय। शाजापुर पुलिस लाइंस भगार में स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वामा सारथी काफी काम कर रही हैं। पुलिस कर्मियों की पत्नियों ने कुक एंड सेल्फ स्पेशलिस्ट अनुकंपा कुकिंग क्लासेस के जरिए कार्यशाला में पुलिस लाइन के महिलाओं को कुकिंग की जानकारी दी। इसके साथ ही बच्चों के कैंप में एक वर्कशॉप का आयोजन भी किया। इसका लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ थैंक्स करना चाहूँगी मैम का, उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पुलिस लाइन में आने का और बच्चों को बेकिंग के बारे में बताने का और बेकिंग को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब केक वेक कैसे बनते हैं, गार्लिक ब्रेड बनाएंगे जैसे आज हम केक बनाए के डेकोरेट कैसे करा जा रहा है ये सब बताया जा रहा है आज यहाँ पे, कि लेयर्स कैसे बनाएंगे केक की, उनको कैसे आपने फिल करना है, और एक बाज़ार में जैसे रेडीमेड केक मिलता है उसको आप घर में कम सामान में और अपने हिसाब से कैसे बना सकते हैं। वही अब खबर मथुरा के थाना सदर बाजार से है, जहां दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प में पथराव और चाकू मारने की घटना सामने आई है। दोनों पक्षों के विवाद में बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्षों के लोग लड़ते लड़ते एक मकान में जा घुसे और मकान में रह रहे लोगों के साथ मारपीट करते हुए चाकू मारने लगे, जिसकी सूचना पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी, जबकि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों को पहुंची तो तब तक दोनों पक्षों के लोग फरार हो चुके थे। पथराव मतलब मम्मी पापा के डंडा, मम्मी से डंडा, मम्मी के पैर में सरिया डली हुई है पहले से ही, तो मम्मी से डंडा छीना उन लोगों ने, आपस की उनकी लड़ाई हो रही थी तो डंडा लेके चलती है मेरी मम्मी, तो हम लोगों ने बोला कि मम्मी से डंडा क्यों छीन रहे हो, तो हमको मारने लग गए और मेरे पापा को गिरा के नीचे पे पापा के हाथ में चाकू मारा और मम्मी को भी उन्होंने गिरा दिया और दांत तोड़ दिया मम्मी को, और यही कारण है। इस बात में मैंने बोला तो मेरी कोई रंजिश या कोई परामिश नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं है उन लोगों से, खाली उनका उन्होंने दारू पी रखी थी दूध, तो उनके यहाँ चार पांच छह भाई हैं इकट्ठे, उन लोगों ने खूब पथराव करा उल्टा सीधा और छत पे हमारे पूरा ईटे ईटे भरे हुए हैं और मेरी बहन के बाल पकड़ के मारा हम लोग के थाने। कितने लोग चोटे हुए हैं इसमें? इसमें मेरे मम्मी पापा दो इन्हें चोट हुए, हाथ में चाकू मर गया, मेरी मम्मी का दांत टूट गया है। और खबर माऊ से है, जहां ओवरब्रिज से उतर रहा रोलर खाई में पलट गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ओवरब्रिज से उतरते समय रोलर का ब्रेक फेल हो गया और इस हादसे में रोलर से दबकर चालक की मौत हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
कानपुर में प्रॉपर्टी विवाद का मामला सामने आया है, जहां पर एनआरआई सिटी के पास जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। सुपारी का बाकी पैसा लेने आए शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ गया और दरअसल प्रॉपर्टी डीलर राजाराम वर्मा के घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पहुंची डीसीपी वेस्ट ने घटना के खुलासे में के लिए स्पेशल टीम लगा दी थी। महज 72 घंटे के अंदर घटना का खुलासा कर दिया गया। तारीख रात को राजाराम वर्मा नामक एक व्यक्ति जो पेशी से अधिवक्ता है, इनका हत्या हुआ था गंगानगर कॉलोनी में उनके मकान के सामने, गेट के सामने। तो सर्वेलेंस के मदद से और ये जो मुखबिर की मदद से हमने ये जो दो शूटर थे, एक शूटर था और एक इनको सहायता किया था, दो लोग हमने पकड़ लिया है। और ये कानपुर आउटर चौबेपुर के रहने वाले हैं और इनको जो सुपारी देने वाला है एक अंकित यादव नामक व्यक्ति, ये फतेहपुर बिटूर का रहने वाला है और इनको भी हमने पकड़ लिया है और पूछताछ अभी चल रहा है और जांच के विषय जो भी अभी पता चलेगा। खबर अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क से है, जहां एक महिला का पति लगातार उसे दहेज को लेकर उत्पीड़न कर रहा है, जिसके बाद पीड़ित महिला ने 31 जुलाई को दहेज उत्पीड़न, मारपीट और दुष्कर्म जैसे आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए 25 अक्टूबर को कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ वारंट जारी कर इस मामले पर। अब पीड़ित महिला का कहना है कि पुलिस आरोपी से साठगांठ करके 2 महीने से उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिस कारण आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। परेशान होकर अब पीड़िता अपनी गुहार लेकर अलीगढ़ पुलिस कप्तान कलानिधि नैथानी के ऑफिस पहुंची। मेरा नाम नेहा सिंह है। कहां से आई हैं? मैं सिंधौली से हूं। थाना कौन सा है? गांधी पार्क। अच्छा, क्या मामला, किस मामले की शिकायत लगी? मेरे ससुराल पक्ष के खिलाफ मैंने शिकायत कराई थी, मेरा मुकदमा चल रहा है और बहुत टाइम हो गया, अक्टूबर में हुआ है ये, जो कोर्ट की तरफ से सम्मन बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, गिरफ्तार करने के लिए जो निकालता है कोर्ट। आपका मुकदमा दर्ज हुआ किन धाराओं में हुआ? 76, 77 और दहेज के लिए हुआ है। 164 कोर्ट में हो गया है। रायबरेली में जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधियों में अब कानून का कोई खौफ नहीं है। वहीं बाजार जा रहे स्कॉर्पियो सवार युवक पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में स्कॉर्पियो सवार युवक की जान बच गई है। शहर के भीड़भाड़ वाले चौराहे में गोली चलने की घटना से हड़कंप मच गया, सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। ये घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डिग्री कॉलेज चौराहे की है। रायबरेली जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, सरे शाम आदमियों पर गोली चलाई जा रही है और गोली चलाने के बाद बदमाश जो है बड़े आराम से फरार हो जा रहे हैं। अभी तुरंत का एक मामला आया है, यहाँ पर स्कॉर्पियो सवार युवक पर ताबड़तोड़ अपराधियों ने गोली चलाई। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं, यहाँ पर ये देखिए, ये गोली का निशान है और इस हमले में पीड़ित बाल बाल बचे हैं। एक गोली ये भी मारी गई है, कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाइए, ये देखिए, कहीं ना कहीं योगी सरकार के अपराध नियंत्रण को ये अपराधी अंगूठा दिखा रहे हैं। हमारे साथ वो भी हैं जिनके ऊपर ये गोली चलाई गई है, आइए जिस हमले में बाल बाल बच्चे, आइए जानते हैं उनका क्या कर। सर, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अशरफ है, मैं जगतपुर का निवासी हूँ, मेरा घर रायबली गोरा बाज़ार में भी। क्या हुआ है पूरा मामला? मैं मार्केट जा रहा था कपड़े के लिए लाने लॉन्ड्री, और मैं जैसे ही पवन नमकीन के पास पहुँचा, कुछ लोग नीले सिंह थे और मंजीत सिंह चौहान थे, शिवन तिवारी थे और युवराज सिंह थे, इन्होंने गाड़ी से उतर के बेलनो कार से हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया, फायरिंग किए 4, जिसमें से 2 आप देख ही लिए हैं कहाँ कहाँ फायरिंग किए हैं, मेरे ऊपर भी फायरिंग किए हैं, जिसमें से 2 गोली हमारे साइड से निकल गई, मैं बच गया और भाग के। कितने लोग थे? और 4-5 लोग थे। 4-5 लोग थे, तो सबको पहचान लिए हैं आप? जी जी बिल्कुल, बाहर खड़े होकर गोली मारे हैं सबको, इन्होंने पहचान लिया। फिलहाल ये शहर कोतवाली पहुँच चुके। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।